को बता दें कि सोमवार को रिलायंस के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले रहे हैं। कैसे ये नतीजे रह सकते हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित बताइए। वेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिलीज करने वाला है, और अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर्स जो है कंसोलिडेट बेसिस पे वो थोड़े बहुत म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, एबिटा में करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा मार्जिन 16.9% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 4% हायर हो सकती है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। अब नंबर्स म्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो टेलीकॉम नंबर्स है उसके नंबर स्ट्रांग होंगे, बट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो O2C और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ के नंबर्स काफ़ी म्यूटेड या वीक आएंगे, और इसी कारण ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी म्यूटेड होंगे। अब O2C सेगमेंट के अगर एबिटा की हम बात करें तो वो 5% लोअर होंगे ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, करीब 12,500 के आसपास ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये बिजनेस वीक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो सिंगापुर क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था वो भी फ्लैट था, और उसके साथ अगर आप पेट्रोकेमिकल मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ग्रोथ देखने नहीं मिला, और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट जो है वो वीक आ सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो एबिटा नंबर है वो 1% लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है, नंबर करीब 5,150 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये नंबर में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि हल्की सी प्रोडक्शन डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है KG D6 में, और उसी के साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी बढ़ रही है, और इसी कारण हम अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की एबिटा भी लोअर आ सकती है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है बट एबिटा ग्रोथ सिर्फ 4% की है, तो रिटेल बिजनेस में भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्री से सेकेंड क्वार्टर में, बट जो ग्रोथ हमें रिटेल बिजनेस में दिखेगी वो पूरे स्टोर एडिशन, न्यू ब्रांड्स जो कंपनी ऐड कर रही है और फुटफॉल बढ़ने के कारण देखने मिल सकती है। अब रिलायंस जियो जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू करीब 7% हायर हो सकता है, एबिटा 8% से ग्रो कर सकती है, एबिटा की एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 53.2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 14% आने की एक्सपेक्टेशंस है, आरपू जो कि सबसे की नंबर है टेलीकॉम कंपनी के लिए वो 6% से बढ़कर 193 पे आने की एक्सपेक्टेशंस है, बट सब्सक्राइबर बेस अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब जो पूरा ग्रोथ में टेलीकॉम बिजनेस में दिख रहा है वो टैरिफ हाइक की वजह से दिख रहा है, आरपू ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होगी पिछले 10 क्वार्टर में, बट ये टैरिफ हाइक लेने के कारण अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है, और ये पहली बार होगा पिछले 10 क्वार्टर में जहां पे रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर बेस में हमें डिक्लाइन देखने मिल सकता है, और ये प्योरली टैरिफ हाइक लेने के कारण जो कस्टमर चर्न होता है उसके वजह से हो रहा है। पहले भी जब कंपनीज ने टैरिफ हाइक लिया था हमें ये देखने मिला था, बट याद रखिएगा ये जो टैरिफ हाइक हुआ है उसका पूरा बेनिफिट सेकंड क्वार्टर में नहीं रियलाइज हो रहा है, आगे चल के भी 2 क्वार्टर्स में इसके बेनिफिट रियलाइज होंगे क्योंकि रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स है वो लॉन्गर वैलिडिटी प्लान्स में है, तो कुल मिला के 3 क्वार्टर लग जाते हैं पूरे टैरिफ हाइक बेनिफिट को फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए। उसके अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर पर, क्या कॉमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के आउटलुक को लेकर, न्यू एनर्जी बिजनेस का रोड मैप क्या है, क्या टाइमलाइंस है कब प्लांट्स प्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसी के साथ कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा है टैरिफ हाइक होने के बाद ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा, उसी के साथ जियो फाइबर की ग्रोथ और कंपनी के आगे की कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जानना भी जरूरी होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। ओके, तो देखते हैं किस तरह के नतीजे रहते हैं मंडे को, यानी परसों।